बड़े भाव से भगवान शिव जी की बारात हिमालय नगर पर पहुंचती है। इधर हिमालय राज्य आरती सजा करके आगवानी करने के लिए पहुंचते हैं, तो श्री नारद जी ने सोचा कि देखो ना, लड़की वाले ने ना लड़के को देखा है, ना लड़के वाले ने लड़की को देखा है, ये रिश्ता तय किसने करवाया था? श्री नारद जी ने करवाया है। तो नारद जी ने सोचा कि इन दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, तो मुझे परिचय देना पड़ेगा। इसलिए नारद जी सामने खड़े हो गए और हिमालय राजी पूजन करने के लिए, आगवानी करने के लिए जैसे आए तो सबसे पहले श्री गणेश जी आ गए। अब ये मत सोचना कि मम्मी पापा की शादी में बेटा जी कहाँ से आ गए, क्योंकि श्री गणेश जी भी अनादि देवता है श्री रामचरित मानस के माध्यम से, और श्री गणेश जी ने श्री गणेश जी की आराधना माने की थी कि आप मेरे घर बेटा बन करके आओ, तो फिर इन्होंने अवतार माँ पार्वती के घर लिया था और फिर बेटा बने थे। बाकी श्री गणेश जी भी अनादि देवता है, इसलिए संदेह नहीं करना। तो गणेश जी प्रथम पूजनी आए तो श्री हिमालय राजे ने सोचा कि पहले नंबर पे दूल्हा आया है, इसलिए स्वागत करते हैं। श्री नारद जी ने कहा, महाराज जी आपके दूल्हा नहीं है, ये कौन है? बोले दूल्हा के अधिकारियों के हेड है। बोले अच्छा अच्छा। उसके बाद में देवराज इंद्र आए तो हिमालय राज्य का ये दूल्हा होंगे? बोले ये भी दूल्हा नहीं है, ये कौन है? बोले दूल्हा सरकार के एक अधिकारी, बॉस काम का ज्यादा है, फैक्ट्रिया भी दूल्हा सरकार की ज्यादा है, तो उसके एक अधिकारी है। बोले अच्छा अच्छा। अब कुबेर जी आए, ये दूल्हा है? बोले ये भी दूल्हा नहीं है, कौन है? बोले दूल्हा सरकार के कोषाध्यक्ष है। बोले अच्छा अच्छा। अब ब्रह्मा जी जब आए तो हिमालय राज्य ने सोचा कि इन्होंने कहा है कि माता पिता जो है ठिकाने नहीं है, तो माता पिता के ठिकाने नहीं है तो इनकी आयु तो बहुत लंबी हो ही गई होगी, तो बूढ़े तो हो ही गए होंगे, तो यही दूल्हा होंगे। चार मस्तक है पर चलो ठीक है, चेहरे पर तेजस्विता ओजस्विता है तो लग सुंदर ही रहे, चार मुख वाले भी चलेंगे। तो ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालने लगे, बोले नारद जी का ना महाराज, ये भी दूल्हा नहीं है। बोले ये कौन है? ये बोले ये आपके दूल्हा सरकार के है ना पिताजी है। तो श्री हिमालय राज जी को गुस्सा आ गया, बोले पहले तो कह रहे थे पिता नहीं है, बीच में पिता कहाँ से आ गए? तो श्री नारद जी ने तुरंत बात सुन, बोले नहीं, वो जो राखी वाखी बांध करके जो मुंह बोले भैया बन जाते हैं ना, वैसे ही मुंह बोले पिताजी हैं। बोले अच्छा अच्छा। अब उसके बाद में भगवान श्री नारायण आए, नीलमणि जटा को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और हिमालय राज्य का यही पक्के में दूल्हा होंगे। श्री नारद जी ने कहा ये भी दूल्हा नहीं है। बोले कौन है? बोले दूल्हा सरकार के सखा है। तो हिमालय राज जी ने कहा कि ओहो, मेरे दूल्हा सरकार के अधिकारी इतने सुंदर है, कोषाध्यक्ष इतने सुंदर है, तो बोले पिताजी इतने सुंदर है, हाजी इतने सुंदर है, तो मेरा दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो भगवान नारायण मन में कह रहे कि हाँ हाँ, आ रहे हैं आपके दूल्हा जी, उन्हें जरा देखना कितने सुंदर लगते हैं, और उन्हें देखने के बाद में आपके वाहनों की कितनी संख्या बचेगी ये पता चल जाएगा। अब श्री सारे लोग हो गए थे, उसके बाद में भगवान शिव जी की यात्रा आगे आ रही है, तो श्री नारद जी तुरंत दूर जाकर के खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि श्री नारद जी ने कहा है कि भाई दुनिया में जो रिश्ता तय करवाता है तो अच्छा हो गया तब तो लड़के लड़की वाले सब उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर बिगड़ गया तो गालियां किसको मिलती है? जिसने रिश्ता करवाया उसका जीना हराम हो जाता है। तो श्री नारद जी का आया थोड़ा बहुत नहीं है तो पूरा ही गड़बड़ झाला है, तो गालियां मिलेगी, डंडे खाने पड़े, उससे पहले ही खतरे की घंटी बजे उससे पहले ही दूर जाकर के खड़े हो गए कि हिमालय राज्य उधर हार बाद में पहनाएंगे, मेरी आरती पहले कर देंगे उनको देख करके, तो दूर खड़े हो गए। हिमालय राज्य सोचा कि ये दूल्हा के अलग अलग जुलूस जुलूस निकलते होंगे यात्रा, तो पहले अच्छे अच्छे लोग निकल गए हैं, इसके बाद में अब जो आ रहे हैं ये नाचने गाने वाले होंगे और सबसे पीछे वीआईपी कोटे में हमारा दूल्हा आएगा। तो यही सोच करके हिमालय राज्य जो है वो पीछे हट गए। इधर भोले बाबा सामने आए तो श्री हिमालय राज्य नारद जी ने आवाज लगाई, शायद ये इनका दूल्हा पहचान नहीं पाए, तो दूर से आवाज लगाई कि महाराज क्या खड़े हो आप अकेले यहाँ पर? बोले क्या? बोले महाराज आगे बढ़िए, आपका दूल्हा आ गया, जल्दी से गले में हार पहनाओ। बोले कहाँ? बोले ये सब नाचने गाने वालों के बीच में जो बड़ा वाला है ना, यही आपका दूल्हा है। अब ये सुनते हिमालय राज जी घबरा गए, बोले ये दूल्हा है? बोले हाँ। अब जैसे आगे बढ़े हिमालय राज जी तो दूल्हा सरकार के गले में हार, पास में जाए कौन तो हार पहनाए।
आनन फानन में आधा हार पहना है आधा नहीं पहना है। लोग तो पहले ही भाग गए थे, महाराज भी घबरा करके खड़े थे, जैसे तैसे हार पहनाया और महाराज भी वहां से भाग गए। बच्चे घबरा करके जैसे घर के अंदर आए तो बच्चों ने पूछा, तुरंत भाग करके आए, माता ने पूछा, बच्चों बताओ बताओ बेटा दूल्हा कैसा है? तो सारे बच्चों ने कहा कि मैया पहले हमारी ऊपर वाली श्वास नीचे आ जाए, उसके बाद बताएं कि दूल्हा कैसा है, तू तो पहले गेट को लगा ले। माता ने गेट लगा, बोला अच्छा बताओ कैसा दूल्हा है? बोले मैया क्या बताएं, ऐसा दूल्हा आया है कि वो दूल्हा नहीं लग रहा है, दूल्हा कम और यमराज ज्यादा लग रहा है, साक्षात यमराज ही हिमालय पर आ गए। बोले अच्छा, तो तुरंत श्री माँ ने कहा कि सारी दूर ये बात फैल गई। इधर मैना जी आरती सजा करके सखियों के साथ में जैसे आगवानी करने के लिए आई तो अब मैना जी को भी डर लग रहा कि पास में कौन जाए। तो जो मुसल रहता है, पहले की माताएं जो मसाला आदि लकड़ी के मुसल में जो पीसती थी, वो धर्म का प्रतीक होता है, तो उससे कुछ अर्चन परचन हिमालय का कुछ रिवाज होगा, तो पास में मुसल लेकर के कौन जाए, पास में जाए तो डर लगे। तो दूर ही लंबे बांस में मुसल को बांध दिया और दूर से ही अर्चन परचन हो गया है, दूर से ही परचन हो गया। अब मैना जी ने थाली सजाई, दीपक जलाया, मन में तो ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस दूल्हा के साथ में विवाह नहीं करूंगी। लेकिन अब सामने सखियां लेकर के आ गई तो करे क्या, तो इसलिए हाथ में थाली है, दीपक जैसे मैया ने जलाया तो भोले बाबा के शीश पर जो मणिधारी सर्प है, इन्होंने सोचा कि मैया को देखो, हम मणिधारी सर्प चमक रहे हैं, चंदा चमक रहा है, और या मैया को देखो कि छोट भर का दीपक जला रही है। तो तुरंत सर्प देवता ने जोर से फुफकार लगाई तो दीपक बुझ गया, और दीपक बुझा तो बुझा, मैया के हाथ से थाली भी छूट गई और मैया जो है धड़ाम से नीचे गिर गई। अब मैया जैसे धड़ाम से नीचे गिरी तो भोले बाबा ने सोचा कि सासू माँ प्रणाम कर रही है, इन्हें उठाना चाहिए, तो उठाने के लिए जैसे झुके तो शीश पर है चंदा, चंदा के हृदय में अमृत, अमृत की बूंद मृग छाला पर गिरी, सिया हो गया जीवित। भोले बाबा ने कहा अर्चन प्रसन्न जब छोड़ो, अगर ये दोनों गाँव में चले गए तो गांव का ही कल्याण कर देंगे। इसीलिए भोले बाबा ने एक हाथ से नंदी जी को पकड़ा, एक हाथ से सिंह को पकड़ा, ऐसा दूल्हा आया कि शीश पर तो गंगा जी हंस रही है, गले में सर्प देवता हंस रहे हैं, ऐसा दूल्हा आया कि होने लगा चारों तरफ हंसी दंगा। सारे लोग छोड़ करके चले गए, भगवान शिव जी अपनी मस्ती में मस्त हैं, और इधर जिधर से श्री नारद जी निकले उधर से लोग गालियां गालियां दिए जा रहे, क्योंकि रिश्ता तय इन्होंने ही करवाया तो सब लोग इनको गालियां दे रहे हैं। अब श्री नारद जी बेचारे घबराते हुए भगवान श्री नारायण को लेकर के आए, और जैसे भगवान श्री नारायण को लेकर के आए शिव जी एकांत में बैठे थे, बोले क्या बात है? तो शिव जी ने कहा, नारायण भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, बैठे रहो अभी यहाँ पर एकांत में। वो कन्या की माँ ने साफ मना कर दिया है कि अग्नि में जल करके मर जाऊं, कुएं में कूद जाऊं, बिटिया को कुंवारी रख लूंगा, लेकिन कभी भी इस बावरे वर्ग के साथ में विवाह नहीं करूंगा, तब कुंवारी घर जाना पड़ेगा। तो भोले बाबा नारद जी का अभी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा तैयार हो जाओ, गोरे वैसे ही हो और सुंदर वैसे ही हो, थोड़ा तैयार होने में क्या जा रहा है, हो जाइए ना जल्दी जल्दी से। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा है, उनसे जाकर के कह दो, हिमालय राज जी को कन्या देना हो तो दे, ना देना हो तो ना दे, बाकी हमारी इस वेशभूषा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा कि चलो वो तो ठीक है, आप आपके मन के करते हो कर लो, लेकिन हमारी एक बात का उत्तर दीजिए। क्या? बोले हमारी ये है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके समान दुनिया में बिना शर्म वाला दूल्हा हमने कभी नहीं देखा है। बोले क्यों? बोले महाराज जी, संसार में एक साधारण लड़के का अगर अपमान हो जाए तो वो उसकी बेटी को वहीं छोड़ करके कुंवारा लौट करके आ जाएगा। आपको इतनी बार अपमान हुआ तब भी आप बिना ही शर्म के बैठे ही हो, घर भी नहीं गए हो। तो भोले बाबा ने कहा कि हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारा अपमान हुआ कहाँ है, वो समझ में आए तब ना जाए उठ के। तो भोले बाबा ने कहा कि आपको रहने का स्थान आपके ससुर जी ने कैसा दिया है? बोले बस इतनी सी बात में आप नाराज हो गए? अरे हमारे ससुर जी को पता है कि हमारे दूल्हा सरकार को एकांत पसंद है, इसलिए एकांत दिया। बोले अच्छा। तो बोले कि आपकी जो सासू माँ आरती लेकर के आई थी, वो आरती गिरा दी, वो अपशकुन नहीं हुआ है? बोले वो मेरी सासू माँ ने है ना आरती रखी नहीं, माँ ने सोचा कि जिसके शीश पर मणिधारी सर्प है, चंदा है, तो उसके सामने छोड़ भर के दीपक की क्या विषाद है, इसलिए मैया ने थाली नीचे गिरा दी है।
अच्छा बोले वो जो गंगा जी जो कलश था वो गिरा वो अपशकुन नहीं है? तो बोले वो मैया ने सोचा कि दुल्हा के शीश पर साक्षात गंगा देवी है तो इस छोटे से कलश की क्या विषाद है, इसलिए कलश को गिरा दिया, बाकी हमारा अपमान कहीं नहीं हुआ है। भगवान नारायण भी हंसने लगे कि आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। इधर भोले बाबा ने श्री नारद जी से कहा कि अच्छा एक बात है कि तुम वापस डबल से जाओ, कन्या की माँ का भाषण आपने सुन लिया है, अब कन्या का भी अगर यही भाषण हो कि मैं इस बावरे वर के साथ में नहीं जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी, तो ये अगर वो भी कह रही होगी तो मैं इस समय उठ करके अभी चला जाता हूँ, पहले जरा देख कर क्या हो कि वो कन्या क्या कह रही है। तो श्री नारद जी अब आते हैं डरते डरते, तो गालियां सब लोग तो दे रहे थे। इधर माता के सामने मैना जी के सामने माँ पार्वती जी बार बार समझा रही थी कि मैया द्वार पर दूल्हा आ गया है और अगर आप उसको ऐसे ही भेज दोगे तो संसार में बहुत बड़ा अपशकुन मैया हो जाएगा, लोग आपके और पिताजी को अपजिस देंगे कि देखो हिमालय राज्य और मैना जी ने दूल्हा का अपमान कर दिया है, कुंवारा ही भेज दिया है उसको, इसीलिए मैया ये आपको आप लोगों को अपजस मिलेगा। मेरी प्रार्थना है मैया कि मेरे भाग्य में जो भी होगा वो मैं जहां भी जाऊंगी मुझे प्राप्त हो जाएगा। मेरे भाग्य में अगर झोपड़ी लिखी होगी मैया तो आप महल में भेजोगे, मेरे जाते से ही कुछ ही दिनों में वो महल झोपड़ी बन जाएगा, और अगर मेरे भाग्य में मैया महल लिखा होगा तो आप झोपड़ी में दोगे तो भी वो झोपड़ी मेरे जाते से कुछ समय बाद वो महल हो जाएगा। मैया भाग्य कोई नहीं बदल सकता है, और ये सत्य भी बात है कि जो भाग्य में लिखा हुआ रहता है, लाख कोशिश कर लो कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं टलता है। जिस स्थान पर लिखा रहता है वहां पर भी ये घटता है, स्थान भी लिखा रहता है कि इस स्थान पे ये वाली घटना आपके साथ में होगी तो उसी स्थान पर वाली घटना वहां पर होती है। Thank you.
ब्याजी पे ब्याज मती जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना प्यारे, ब्याजी पे ब्याज मती जोड़ना। नारद जी बार बार समझाते हैं कि मैया ये वही माँ है जिसकी आराधना आपने पूर्व जन्म में की है, तो सुन करके ही मीना जी ने ध्यान करके देखा तो पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई। सामने जो खड़ी है वो साक्षात माँ भवानी ही खड़ी है, ये शिव की सिवा है, शिव की शक्ति है, इसे शिव से कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो तुरंत मैया प्रसन्न हो गई है और अब चूंकि ज्ञान आ गया, पूर्व जन्म की कथा याद आ गई, इसलिए सारी चर्चा सद्दूर तुरंत हो गई, सारे लोग प्रसन्न हो गए और इधर मैया ने तुरंत श्री माँ पार्वती जी को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया है। उधर भगवान श्री महादेव जी अब आते हैं दुल्हा के रूप में, गौर वर्ण है श्री शिव जी का, और मैया ने जैसे देखा तो अब भगवान शिव जी इतने सुंदर लग रहे हैं। तो मीना जी का कि ये पहले इतना नाटक फाटक काहे कर रहे थे, पहले ही इतना सुंदर लग जाते तो पहले तो आप बुरे से बुरे लग रहे थे, भयानक लग रहे थे, डरा दिया था मुझे, कट रूप रुद्री जब देखा क्या जरूरत है ये सब रोल करने की। तो भोले बाबा ने आंखों में कहा कि देखो जी ऐसा है कि जब तक कोई डरता है मुझसे तो मैं डराता रहता हूँ, और जब कोई डर करके भी डरता नहीं है और मेरी शरण में आ ही जाता है कि हमें तो आपसे ही मतलब है प्रभु, चाहे कितना भी डराओ, तो उसके बाद में मैं कृपा करता हूँ। और प्रभु का स्वभाव है कि शुरुआत में तो बहुत परीक्षा लेते हैं और उसके बाद में कृपा करते हैं। तो जो डरपोक है वो तो डर के भाग जाते हैं, लेकिन जो भक्त रहते हैं वो तो घिसम पट्टी चलती रहती है उनकी कि आप कितना भी तपाओ, तप रहे हैं, कब तक तपाओगे, जब तक जान है शरीर में तभी तक ना, फिर बाद में प्रभु कृपा करते हैं। तो शिव जी ने कहा कि इसीलिए आप पहले डर रहे थे तो मैंने डरा दिया, अब आप मुझे पहचान गई है तो मैंने अपना असली स्वरूप बता दिया है। अब भगवान भोले बाबा उधर से आए हैं, इधर से श्री माँ पार्वती जी को सुंदर दुल्हन की तरह तैयार करके लाए हैं, विवाह मंडप में दोनों को विराजमान किया है। और अब विवाह शुरू ही होने वाला था,
कि पुरोहित ने बीच में एंट्री मार दी। बोले ऐसा है, एक रिवाज और होगा, वो पूरा होगा, उसके बाद में विवाह संपन्न होगा। तो श्री नारद जी ने कहा कि लागत है, अब गड़बड़ होगा। पुरोहित जी ने कहा, भोले बाबा से कि बताइए श्रीमान जी कि विवाह तब होगा जब आप अपने वंशज का परिचय दे देंगे। बोले ठीक है, क्या परिचय है? बोले आप ये बताओ कि आपके पिताजी का नाम क्या है। तो श्री नारद जी ने कहा, हे भगवान, गई भैंस पानी में, इनके कोई पिता है ही नहीं तो नाम क्या बताएंगे। तो भोले बाबा का मेरा पिता ही नहीं। श्री नारद जी का बाबा करेगा गड़बड़। पास में आए नारद जी, बोले ऐसा 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 है कि विवाह शादी में एक आधा झूठ चलता है, तो बोल दीजिए झूठ। बोले झूठ बोलेंगे? बोले हाँ बोल दीजिए। किसका नाम बताए? बोले ब्रह्मा जी को बता दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को मैंने पहले ही आपका पिता घोषित कर दिया है। तो भोले बाबा ने कहा कि मेरे पिताजी है ना ब्रह्मा जी है। पुरोहित जी ने कहा, उनके पिताजी का नाम क्या है? तो श्री नारद जी का, अरे एक बार झूठ और चलेगा, एक बार और बोल दीजिए। किसका? बोले बोले भगवान नारायण का बोल दीजिए। तो भोले बाबा का, उनके पिताजी का नाम श्री नारायण है। अब भोले बाबा ने फिर प्रश्न किया पुरोहित जी ने कि उनके पिताजी का नाम क्या है। तो श्री नारद जी ने कहा, हे भगवान, अब तो गई गाड़ी, पटरी से नीचे उतरी गई है। अब नारद जी आए बेचारे, भोले बाबा ने तिरछी नजर से देखते हुए, चुप रहो, ये संसार के लोग हैं, एक झूठ के साथ में हजार झूठ बोलना पड़ता है, और मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, तुम भी जाओ, मैं मेरे हिसाब से जवाब दे दूंगा। तो भोले बाबा ने कहा, ऐसा है कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी के पिताजी नारायण है, और इन दोनों का पिता मैं खुद हूँ, और कुछ पूछना है? पुरोहित जी ने हाथ जोड़ लिया कि अब तो खाता ही खत्म हो गया, अब आगे क्या पूछे। तो बोले अच्छा ठीक है, अब शुरू करो। तो अब सारी सखियां आसपास बैठी हुई है, और विवाह मंडप में दुल्हा दुल्हन की भावरे होने लगी है। सखियां गा रही है, माता पार्वती जी को क्या कह रही है? जाकर के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, संसार में जब साधारण कोई वर विवाह करने के लिए आता है,
तो सास ससुर इतनी सेवा करते हैं, इतना आदर सत्कार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आप जब से आए हो हमने सिवाय अपमान के अलावा कुछ भी नहीं किया है। हिमालय राज ने कहा मैंने भी आपका अपमान किया है और मेरी पत्नी मैना ने भी आपका अपमान किया है, लेकिन फिर भी प्रभु आप कितने दयावान हो, कितने भक्त वत्सल हो आप कि आपने फिर भी क्षमा कर दिया है। चोर आया चोरी करने, घंटा ऊपर था, हाथ जा नहीं रहा था, शिवलिंग पर चढ़ गया। भोले बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि भैया कोई तो पत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है मुझे, इसीलिए मांगो वरदान चाहिए। ऐसे प्रभु भक्त वत्सल दयामय शिव जी है, हिमालय राज जी चरणों में गिर गए कि प्रभु हमें क्षमा करना, आपने हमारे हमने बहुत अपराध किया। हिमालय राज जी को भगवान शिव जी सांत्वना प्रदान करते हैं। इधर मैना जी माता पार्वती जी को अपनी गोदी में बैठा करके समझाती है, पहले तो शिव जी से कहा है कि हमारे अपराध को भी आप क्षमा करना, पार्वती प्राणों के समान प्रिय है, इनसे कोई भी गलती हो तो आप इन्हें क्षमा करना। और मैना जी पार्वती को गोदी में लेकर के कहती है कि बेटा ये जो नारी का जो जीवन है संसार में ये बड़ा ही खतरनाक है, और मैना जी ने विधाता को दोष देते हुए कहा है कि विधाता आपने संसार में नारी को कैसे बनाया है। कहती विधि सृजी